नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कर्णिका ब्लॉग्स की और एक ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। देखिए, विंटर सीजन करीब करीब खत्म होने को है, लेकिन हम अभी तक एक भी पिकनिक में नहीं गए क्योंकि मेरी बेटी की एग्जाम चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम खत्म हुई है, इसलिए आज हम पिकनिक में जा रहे है। लेकिन पिकनिक में हमारे साथ और कोई नहीं है, हम तीनों मिलकर ही पिकनिक मनाएंगे। एक्चुअली ये पिकनिक नहीं, एक छोटा सा आउटिंग है। एक दूसरे के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पर जाके। जहाँ पर जा रहे हैं आज हम, वहाँ पर पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अपने स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ पर जाकर आए हैं। मतलब स्कूल की पिकनिक में इस बार वहीं पर ही गए थे वो लोग। लीजिए, हम लोग बहुत करीब पहुँच चुके हैं। एक्चुअली अलीपुरद्वार से इस जगह का डिस्टेंस करीब करीब 2 घंटे का है। ये देखिए, रिवर बेड के बीच से हम लोग जा रहे हैं। अभी विंटर सीजन है इसलिए कोई पानी नहीं है, लेकिन रेनी सीजन में ये तो पूरा चारों तरफ पानी से भरा हुआ होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर एक न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा था, आप लोग भी सुने होंगे शायद। तो इन सब बातों में ज्यादा ना पढ़ के क्लियरली मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो मेरे देश की लक्षद्वीप ही दी बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। मुझे अगर घूमने का चांस मिला तो मैं तो लक्षद्वीप में ही सबसे पहले जाऊंगी। इधर पूरा पहाड़ है, भूटान का पहाड़। हाँ। पर अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, फॉग के कारण दिखाई नहीं दे रहा। ये पानी कितना क्लियर है ना। ये रिवर का नाम क्या है? राइडक रिवर। और ये जगह धूमपड़ा पिकनिक स्पॉट। ये पिकनिक स्पॉट ही है। ओ, इस तरफ भूटान है। हाँ। पीछे आसाम। हाँ। और ये जितना साइड में दिख रहा है ये सब वेस्ट बंगाल में है। तो ये रिवर भूटान की तरफ से आ रहे है। हाँ, पहाड़ी पानी आ रहा है। अच्छा, दिखने में तो कितना मजा आ रहा है। अभी तो उतरना है यहाँ पर, मैं उतरूंगी। वहाँ पर जा नहीं सकते, वहाँ पर उस तरफ। हाँ, अरे उस तरफ नहीं जा सकते क्या? अरे फिर नौका के पास जाओगे। कहाँ पर है? सुरोजी, नौका। नौका दिए पार हो ऊपर जाते हो बे, अब नौका दिए। है कहाँ, नाव कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। आवाज सुनिए जस्ट रिवर की, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। और ये देखिए पूरा नजारा। और वहां पर देखिए जितना सारा पेड़ है वो आप देख सकते हैं। वो सारा पेड़ इंग्लिश में तो वाइल्ड बेरी बोलते हैं और हम बंगाली में कूल बोलते हैं इसको। आप हिंदी में क्या बोलते हैं हमें थोड़ा लिख के बताइएगा। देखिए चारों तरफ इस तरह का ही पेड़ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। हमारे चारों तरफ कितना खूबसूरत जगह है, हम कभी मतलब उतना फुर्सत से घूमते ही नहीं। घूमने से बहुत सारा खूबसूरत जगह है यहाँ पर। दोस्तों, डुअर्स के चारों तरफ बहुत सारा ब्यूटीफुल प्लेसेस है। हाँ, तो जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि इंडिया के कहीं से भी अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो ट्रेन या प्लेन किसी से भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, दोस्तों 3 to 5 days पूरा लक्षद्वीप घूमने के लिए काफी है। लेकिन लक्षद्वीप को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 days आप लोगों को वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। और इस 5 days के गुड टूर के लिए ट्रांसपोर्टेशन, होटल फेयर, मील, ये सब कुछ मिलाकर पर पर्सन 30 to 40 के खर्च होगा। तुम लोग
उस दिन इस पानी से ही खाना पकाए थे? नहीं नहीं, खाना क्यों इस पानी से पकाए? बिल्कुल क्लियर है तो पानी। बर्तन धोने का काम चल सकता है पर वो पीने का पानी ये कभी भी नहीं हो सकता। पीने के लिए कहाँ से पानी लिए थे फिर? अलग से पानी लाए थे ड्रम भर के। हाँ Prove that he loves you. अभी मेरी बेटी की बारी उतरने की। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी पापा क्यों नहीं उतर रहे हैं। एक्चुअली एक तो नदी का पानी बहुत ही ठंडा है, दूसरा अगर उतरेंगे तो पूरा पैंट गीला हो जाएगा। सिर्फ इतना तक मत रहो और नीचे जाओ। अरे बस इतना ही हो गया। एक्चुअली इतना ठंडा पानी है ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। पहाड़ के ऊपर कोई ग्लेशियर से ये पानी आ रही है, लग रही है कि आइस मिक्स किया हुआ है। दोस्तों लक्षद्वीप जाने की आइडियल टाइमिंग है अक्टूबर से मिड ऑफ द मई तक, क्योंकि तब टेम्परेचर नॉर्मल टू मीडियम रहती है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर जितना सारा पिकनिक पार्टी आता है वो खाना कैसे बनाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए चारों तरफ एकदम गंदा करके रखे गए है, ये ठीक नहीं है। इस तरह से गंदगी फैलाकर हम खुद ही अपने हाथों से नेचर को खराब करते हैं। वहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना दो चूल्हा, यहाँ पर ये दो चूल्हे में ही वो लोग खाना वाना बनाए थे। तीन बड़ा बड़ा पत्थर इकट्ठा करके दो टेम्पोररी चूल्हा बनाया गया था। इस तरह से जंगल में सब इकट्ठे आकर एक साथ खाना वाना बना के खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। आप लोगों को क्या लगता है लिख के बताइए। इस तरह का बहुत बहुत जगह है जहाँ पर इस तरह से जो भी पिकनिक पार्टी आया था वो खाना वाना बनाए, देख सकते हैं चारों तरफ। अभी क्योंकि ये विंटर सीजन है इसलिए चारों तरफ बिल्कुल रूखा सूखा है, नेचर उतना ग्रीनरी नहीं है, लेकिन ये जगह बहुत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ पर आए हैं, बहुत टाइम हो गया है लेकिन किस तरह से टाइम पास हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। हम तो यहाँ पर खाना वाना नहीं खाएंगे, थोड़ा फ्रूट्स लेकर आए हैं वही खाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जाते वक्त रास्ते में खाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना खूबसूरत जगह है, यहाँ पर यूं ही बैठे रहने की मन कर रहा है। और वो जो दूर आप देख रहे हैं ना वहाँ पर बहुत दूर उस तरफ आप लोगों को मैं थोड़ी लेके चलती हूँ, आइए मेरे साथ। बहुत दूर, मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं एक वो दूर ना एक नाव है, उस नाव से नदी के इस तरफ और उस तरफ लोग जाते हैं। और यहाँ पर एक पिकनिक पार्टी आए हुए है, वो लोग यहाँ पर खाना वाना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर थोड़ी दूर बैठी हुई है, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। हाँ वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर उस जगह पर वो लोग खाना वाना बना रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना दूर है। और हम यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। पानी का आवाज कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए अभी यहाँ पर थोड़ी रील वील बनाते हैं।
उसके बाद और थोड़ी देर रुक के हम जाएंगे। हाँ, वहाँ पर वो जो सनरेज है वो नदी के ऊपर पड़ के कितना सुंदर लग रहा है ना, एक पिक्चर जैसा एकदम लग रहा है। टी टाइम? हाँ टी टाइम, मुझे वो बनाने दो। मैं यहाँ पर इंस्टेंट इडली की 3 बोल लेके आई थी, जिस पर गर्म पानी देके 8 मिनट तक भिगोए रखने से ही इडली रेडी हो जाती है। अभी शाम के 4 बज रहा है, कुछ ही देर बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों, वैसे तो लक्षद्वीप में बहुत सारा फेमस विजिटिंग प्लेस है, लेकिन उनमें से मिनिकॉय आइलैंड, अगत्ती आइलैंड, बंगाराम आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड और कल्पनी आइलैंड आप लोगों को जरूर 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 विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉप 5 फेमस प्लेस है लक्षद्वीप का, और साथ में स्कूबा डाइविंग इज द मस्ट। वाओ दोस्तों, एक मार्वेलस सीनरी है मेरे आंखों के सामने। दोस्तों, जब जेब में बहुत कम पैसा हो लेकिन मन करे कहीं जाने का, तो एक ट्रिप डुअर्स का भी दीजिए और फिर देखिए। दोस्तों, अभी ऑलरेडी शाम के 5 बज चुका है और हम वापस लौट रहे हैं। आज हम तीनों मिलके एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मेमोरेबल डे स्पेंड किए, साथ में आप लोग भी थे। तो वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के बताइए। आप लोगों को पता ही है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। बाय बाय।